सरगम सरगम उठो सरगम उठो सरगम सरगम नुपुर पानी लेकर आओ बेटा उठो सरगम 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 हट वहां बैठ ये लीजिए डॉक्टर अंकल बेटा आराम से आराम से आराम से आ, 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 थोड़ा सा सांस ले लो ग्लास तो पानी का ले बेटा हे भगवान सब कुछ अच्छा करना सरगम के गृह प्रवेश के साथ ही कलश का गिरना हटो हटो ये लगाने दो ये क्या है हल्दी का पेस्ट है डॉक्टर साहब आपकी साइंस में ये बेकार की चीज हो पर काफी फायदा होता है इससे बेटा कौन कहता है कि साइंस इसे नहीं मानता इन घरेलू नुस्खों की वजह से हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी निरोग रहती है पर बेटा अभी थोड़ी देर के बाद हल्दी लगाना जब ये सोने लगेगी मैंने इसे दवाई दी अभी और आप सब क्या देख रहे हैं भाई अब सरगम बिटिया एकदम ठीक हो रही है शुक्र है भगवान का कि कुछ नहीं हुआ अमन मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ इससे इसका बेटा दर्द भी कम हो जाएगा भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई साहब कोई बड़ी घटना नहीं घटी वरना पता नहीं क्या होता सरगम बेटा चलो थोड़ा आराम कर लो कल सुहागले है ना सुबह से ही सुहागिनों का आना जाना शुरू हो जाएगा देखिए भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सरगम को अभी सिर पे चोट लगी है इसे ज्यादा स्ट्रेस देना ठीक नहीं है ये जितनी ज्यादा सोएगी आराम करेगी उतनी जल्दी इसे आराम आएगा और अगर ये गहरी नींद लेगी तो इसकी चोट के लिए अच्छा होगा देखो अमन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सरगम को अच्छी तरह से नींद आए इसका ख्याल रखना बेटा जी अंकल कम ऑन ब्रेव गर्ल यू विल बी ऑल राइट ईश्वर अभी तो अमन और सरगम ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की और ये क्या अनर्थ हो गया अब तेरा ही सहारा है प्रभु सब कुशल मंगल हो मेरे अमन के जीवन में आगे कोई भी अनहोनी ना होने देना तू ही जानता है प्रभु मैंने जो कुछ भी किया है अच्छी नीयत से किया है भार्गव खानदान की भलाई के लिए किया है तो नहीं कहती बेटा कि मैंने अमन को बचपन से पाला है लेकिन हाँ जब से अमन हमारी जिंदगी में आया है मैंने उसे हमेशा अपने कलेजे से लगा के रखा है और आज वो पल है जिसका इंतजार हर माँ को रहता है अमन की खुशियों और उम्मीदों पर ही हमारी जिंदगियां टिकी हैं बेटा आज उसी अमन को मैं तुम्हें सौंप रही हूं इस उम्मीद के साथ
कि तुम मेरे अमन को हमेशा संजोए रखोगी। अमन के साथ साथ इस परिवार को भी अपनाओगी तुम और हमेशा सबको अपने साथ लेकर चलोगी। आज से इस घर की विरासत और इज्जत दोनों में तुम्हें सौंप रही हूँ। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे पूरे जतन से निभाओगी। जीती रहा। चलो बेटा चलो, अब अपनी सरगम भाभी को आराम करने दो। क्यों दादी, सरगम भाभी हमारे रहते हुए आराम नहीं कर सकती क्या? नहीं वो बात नहीं, चलो चलो तुम लोग भी आराम करो। चलो पिंटू चलो। बाय भाभी। चलो बाय भाभी। अपना ख्याल रखना बेटा। बड़ी अम्मा, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। खैर जाने दीजिए, सरगम सो गई क्या? नहीं बेटा अभी तक तो नहीं सोई, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि अगर आप ना होती तो कोई भी काम वक्त पर नहीं होता। आजकल आप बहुत काम करती हैं। बेटा घर में तो कामकाज करना ही पड़ता है, लेकिन तुम मुझे वो बात बताओ जो तुम मेरे बारे में सोच रही थी। बड़ी अम्मा मुझे एक बात की बहुत चिंता हो रही है। किस बात की चिंता बेटा? अरे अम्मा, नई नई दुल्हन के पांव घर में पड़ने से पहले ही इतना बड़ा अपशगुन, और फिर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती हूँ बड़ी अम्मा, पर मैंने सुना है कि ऐसा ही कुछ अपशकुन अमन की माँ के आने पर भी हुआ था। कहीं ये वो इतिहास फिर से तो नहीं दोहराया जा रहा है ना? और कहीं अमन भी हमें छोड़कर तो? बड़ी अम्मा कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सो जा। जी। बड़े अचरज की बात है, सरगम घर में कदम रखते ही फिसल कर गिर गई, और वो भी इतनी बुरी तरह से। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं। ईश्वर तेरा बारंबार धन्यवाद। क्या बात है, आप यहाँ अकेले में इस तरह क्यों बैठे हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ कोई खास बात नहीं, ऐसी सोचते सोचते ऊपर चला है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस मन जरा घबरा रहा है। आज सरगम के आने के बाद जो कुछ भी हुआ कहीं कुछ अपशगुन ना हो जाए। दुर्गा ऐसा सोचना भी मत, सरगम और अमन के बीच में सब कुछ ठीक रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। सरगम बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, पूरे घर में खुशियां ही खुशियां बिखरेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। Ah
पापा, ये क्या क्या हुआ पापा? आप रो क्यों रहे हैं? आज सही मायने में घर सूना हो गया है। सरगम हमेशा के लिए चली गई। पता नहीं बेटियां बाप के घर इतनी खुशियां क्यों बिखेर के जाती हैं, जबकि उनको मालूम होता है कि एक न एक दिन वो चली जाएंगी, बस छोड़ जाएंगी वो यादें कि आदमी घुलता रहे। क्यों होती हैं बेटियां ऐसी, क्यों? पापा, बेटियां ऐसी क्यों होती हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ एक बात जरूर जानता हूं कि बेटियों को इतना प्यार करने वाले पापा बहुत कम होते हैं। अरे नहीं रे, सरगम है ही ऐसी। उसने इतने मोह बंधन में बांध दिया है, किसी चीज में मन ही नहीं लगता। पता नहीं वो कैसी होगी। कैसी क्या होगी पापा, सरगम बहुत खुश होगी। अरे ये तो हमारे लिए तसल्ली की बात है कि जिसे सरगम प्यार करती थी उसी के घर गई है। पापा वहां उसे बहुत प्यार मिलेगा, अब हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है वो हमेशा खुश रहेगी, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। पर क्या करूं, बाप होना फिक्र तो होगी। से जिसके लिए सोचती आई कि वो ऐसा होगा, नहीं नहीं वो वैसा होगा, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा होगा। यही है मेरे सपनों का राजकुमार, जिसका मुझे कब से इंतजार था। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सरगम अचानक फिसली क्यों और कैसे। सर एक बार सीढ़ियों को चेक करता हूं, यहां से, हाँ यहां से वो गिरी थी। चिकना सा क्या है? ये
तेल कैसा? ये तेल यहां किसने डाला? इसका मतलब है सरगम इस तेल पर से फिसल कर गिरी है। किसका काम हो सकता है? यहां तेल किसने डाला? बड़ी तेज आंखें पाई हैं बाऊजी। इससे पहले कि ये ज्यादा कुछ समझें, मुझे इनके शक की सुई घुमानी होगी। क्या हुआ बाऊजी? आप कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं, ढूंढ नहीं रहा हूं बेटा, देख रहा हूं। यहां किसी ने तेल डाला है और सरगम इसी तेल पर से फिसल कर डली है। किसने डाला होगा तेल यहां? बाऊजी, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो प्रवेश द्वार पर पानी डाला था और उस वक्त तो यहां पर कोई भी नहीं था। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती? बाऊजी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि मैं जब यहाँ पर पानी डाल रही थी उस वक्त आसपास कोई भी नहीं था, और अगर किसी से तेल गिरा भी है तो वो प्रवेश करने से पहले गिरा होगा। पता नहीं ये मुझे क्यों नहीं दिखा। बाऊजी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अंजलि जी, डॉक्टर अंकल। अंजलि, जरा पता तो करो, सरगम की मेडिसिन आई है कि नहीं? जी जी। भार्गव, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ठीक, अंदर चलो। चल बेटा, ये साफ करा दे, कोई दूसरा ना गिर जाए। ये घर कुछ ज्यादा ही रहस्यमय होता जा रहा है। अब ऐसी क्या बात होगी जो डॉक्टर को बाऊजी से अभी करनी है? भार्गव, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे घर पे सरगम के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो भी इतना खतरनाक। अरे भाई, हादसा है, हो गया। ये महज इत्तेफाक नहीं था। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से वहां सीढ़ियों पर तेल गिरे हुए देखा, और उस वक्त तुम्हारे परिवार के सदस्यों के अलावा दूसरा कोई नहीं था। देखो, अगर ये एक्सीडेंट तुम्हारे घर पर हुआ है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम समझ भी रहे हो तुम क्या कह रहे हो? सरगम हमारी बहू है, हम सरगम के साथ ऐसा क्यों करेंगे? सरगम हमारे खानदान की बेटी है, हमारे अमन की अमानत। अपनी अमानत के साथ हम ऐसा? हाँ, लेकिन कुछ हुआ तो है। ये हुआ नहीं, ये करवाया गया है, और इसी बात का तुम्हें पता लगाना है कि ये किसने किया है। पिंटू, दे दे, वरना अंजलि भाभी डांटेंगी। अरे मैं नहीं दूंगा, बस दे ना बाबा। नहीं दे। अरे नहीं दूंगा। दे, गिर जाएगा। अरे नहीं। अरे ये क्या झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? देखिए ना दादाजी, कब से ये ना अंजलि भाभी की बोतल लेके यहाँ वहाँ घूमे जा रहा है। मैं कह रही हूँ मुझे वापस दे दे, वरना बहुत डांट पड़ेगी। दे मुझे। नहीं देंगे। दे ना।